Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel, friends. Friends, my YouTube channel पे आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद. आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही amazing आइसक्रीम स्टिक्स क्राफ्ट के आइडिया शेयर कर रही हूँ. पहले भी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफा आइसक्रीम स्टिक्स क्राफ्ट के आइडिया शेयर कर चुकी हूँ. तो इसी तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू आइसक्रीम स्टिक्स क्राफ्ट के आइडिया शेयर करूँगी. तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. आपको बहुत से अमेजिंग आइडिया अमेजिंग आइडियाज़ मिलेंगे कि आप लोग किस तरह से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग अपने घर में आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से डिफरेंट चीज़ें बना के अपने घर को डिफरेंट इजी और सिंपल क्राफ्ट की मदद से डेकोर कर सकते हैं. ये तमाम आइडियाज़ आपको मेरी आज की इस वीडियो में होंगे. तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये स्टैंड बनाया गया है. आप लोग इस तरह का स्टैंड बना सकते हैं. इसमें आप लोग बर्ड्स वगैरह के लिए खाना डाल के अपने जो आप लोग के घर की रूफ्स होती हैं उस पर रख सकते हैं. आप लोग आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से स्टैंड बना सकते हैं कप्स वगैरह रखने के लिए. जैसे आयरन स्टैंड होता है, आप लोग आयरन स्टैंड बना सकते हैं. किसी भी तरह की आप लोग खूबसूरत सी क्राफ्ट सी की चीज़ें बना सकते हैं. किड्स के लिए बहुत से डिफरेंट क्राफ्ट के आइडियाज़ हैं आइसक्रीम स्टिक्स में. ये देखें कितनी खूबसूरत ही आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से चेयर बनाई गई है. तो जैसे कि लॉकडाउन है तो बच्चों के साथ हम लोग इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से. डिफरेंट पेंटिंग करवा सकते हैं आप लोग आइसक्रीम स्टिक्स पर. इसके अलावा छोटी छोटी आप लोग चीज़ें बनवा सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स की. देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये हाउस बनाया गया है आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से. तो इस तरह की आप लोग क्रिएटिव वर्क्स करवा सकते हैं बच्चों को लॉकडाउन की सिचुएशन में. कार्ड्स देखें, ये कार्ड बनाया गया है. इस कार्ड पर आइसक्रीम स्टिक्स के डेकोरेशन की गई है. तो ये जो तमाम छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, इसकी मदद से आप लोग बहुत से बच्चों को क्रिएटिव वर्क करवा सकते हैं. उनका आप लोग क्रिएटिव वर्क करवाएंगे इस तरह उनका, फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे. जब आप लोग एक दफ़ा उनको बता देंगे कि इस टाइप का आप लोग आर्ट कर सकते हो, इस टाइप के आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो खुद कोशिश करेंगे आप बच्चों में ये शौक़ पैदा करें इस टाइप के काम करने का. तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की तमाम वीडियो. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. साथ ही दीजिएगा बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी. कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.